सर मून एंड राइजिंग एक्वेरियस वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टेरोड ये आपके पार्टन की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है जेनर कलेक्टिव टाइमलेस मैसेज है टाइमलेस मींस के जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजनेट करेगा और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है और ये जनरल मैसेज है जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना लें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस और मेरी जनरल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डोनेट कर सकते हैं ऑन माई पे सो तो लेट सी क्या आपके पार्टनर के हवाले से क्या मैसेजेस आते हैं क्वेरियस एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स व्हाट आर एक्वेरियस पर्सन करंट फीलिंग्स व्हाट आर एक्वेरियस इक्वेरियस करंट फीलिंग्स व्हाट आर एक्वेरियस इक्वेरियस करंट फीलिंग्स ओके एम्प्रेस फोर ऑफ पैंडिकल एंड एट ऑफ पैंडिकल्स फोर ऑफ़ कप्स फोर ऑफ़ सोर्स फोर की एनर्जी है यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है हो सकता है आपके पार्टनर फोर फोर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो ए सॉफ कप एंड स्टार कार्ड आई फील दैट के मुझे ये कार्ड इधर और ये कार्ड इधर रखना चाहिए आई थिंक सो वाइस वर्सा ले लें आप क्योंकि जैसा भी हो वैसे तो यहाँ पे इमोशनल न्यू बिगनिंग आपके पर्सन चाहते हैं ठीक है वो रिजेक्ट करें या तो आप रिजेक्ट करें या पे आपके पार्टनर रिजेक्ट करें आपको इस वक्त फोर फोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर फोर फोर वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्कआउट करें उन्होंने अपने आप, अपने आप को बिज़ी किया हुआ है वर्क में और हो सकता है किसी टॉरस से या लिब्रा से डील कर रहे हों इस वक्त एक्वेरियस भी हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइस भी हो सकते हैं जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं तो so, इसके अलावा यहाँ पर उनकी जो एनर्जी है ना वो अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है उन्होंने और हो सकता है वो अपनी ग्रोथ पर वर्कआउट कर रहे हैं अपने काम पे फोकस किया हुआ है उन्होंने और या अपने आप को बिजी रखा रखने की कोशिश करें या तो अपने फाइनेस को सिक्योर करने की कोशिश करें या बिजी रखने की कोशिश करें क्योंकि इमोशनली वो जो है डिटैच फील कर रहे हैं आपसे हो सकता है किसी मदर फिगर की वजह से किसी मदर फिगर की वजह से या तो आपकी मदर फिगर या फिर आपके पार्टनर की मदर फिगर उनकी वजह से वो जो है वो बैक ऑफ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से और आपको नो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं रिजेक्शन उन्होंने दी है आपको आ, या आपको रिजेक्ट करें और ब्लॉक उनके उनके यहाँ पर लाइक या तो आपने उनको ब्लॉक किया है रिजेक्ट किया है और कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है यहाँ पर कुछ तो है जो कि ऐसी एनर्जी है जो सिक्योर इन इनसिक्योर सी लाइक ज़रूरत नहीं है अब सब कुछ स्टेबल है ऐसी चीज़ इमोशंस इतने हैं कि अब वो अपने आप को किसी एक्स्ट्रा इमोशनल न्यू बिगनिंग के लिए रेडी नहीं समझते और कम्युनिकेशन भी वो उनके उनको उससे भी सेटिस्फाई हैं हो ना हो तो ये सिचुएशन उनकी है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं बट वो एक नया स्टार्ट ज़रूर जाते हैं उनको एक नया न्यू बिगनिंग जाते हैं उनकी उनकी ख्वाहिश है हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है मदर फिगर भी हो सकती है कोई पर्सन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर वो ख्वाहिश तो करें कि नया स्टार्ट हो इस रिलेशनशिप में वो अपने इमोशंस भर भर के आपके लिए हैं उनके अंदर लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ दिस रिजेक्शन हो सकता है आपने रिजेक्ट किया है और नो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपने डाली है आपने ब्लॉक किया है तो इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं और लेकिन वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग ओके सो यहाँ पर देख लेते हैं वर्क उन्होंने अपने आप को काम में बिज़ी किया हुआ है बहुत काम में लगाया हुआ है ताकि वो आपके बारे में ना सोच सकें और इमोशनल लाइफ के बारे में ना सोच सकें या फ्यूचर में भी वो ऐसा ही कर, करेंगे प्रिजर्वेंस वो बहुत साबित कदमी से बहुत ज़्यादा सब्र से और पेशेंस से आगे बढ़ रही हैं परसेप्शन, उनकी परसेप्शन, वो अपनी परसेप्शन को चे, चेंज कर रहे हैं बदल रहे हैं अपने आप में लाइक like, बस उन्होंने ये सोच लिया है कि जो भी होगा बेहतर होगा हमारे लिए जो भी है अगर होना होगा तो हो जाएगा उनकी ये परसेप्शन हो गई है ओके okay, सो so देखते हैं कि हार्ट मैसेजेस क्या हैं यहाँ ओके आई नो दैट आई क्रॉस द लाइंस विद यू मे बी उन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग उन्होंने मैस्ड अप कर दिया आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है उन्होंने जो भी किया ये ब्रेकअप सिचुएशन उनको एक लेसन दे रही है ठीक है अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया है तभी वो अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में यस हो सकता है उन्होंने क्लोज ऑफ रह कर आपके साथ गलत किया और चीज़ों को बिगाड़ दिया अब वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए हील हो जाए एक नया स्टार्ट हो जाए सो देट वॉज रीडिंग इफ इट इज लेट मी कन्फर्म है कब इन बोल लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग